हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। इस बार भी सरकारी भवनों में बदहाल रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम। सायला उपखंड के कई चारे सरकारी भवनों में वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम बदहाल। सरकार की ओर से बरसाती पानी के संग्रहण को लेकर कस्बे सायला क्षेत्र के राजकीय विद्यालय समेत अन्य सरकारी भवनों में लाखों की लागत से वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम तो निर्मित कर दिया गया, लेकिन वर्तमान में कई विद्यालयों एवं सरकारी भवनों में उचित देखरेख व रखरखाव के अभाव में बहुउपयोगी वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम बदहाल स्थिति में है। इससे बारिश में इनका उपयोग नहीं हो पाएगा। बारिश के मौसम में हजारों लीटर व्यर्थ बह जाने वाले अनमोल पानी के संग्रहण को लेकर वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम की उपयोगिता को देखते हुए सरकार की ओर से कुछ साल पूर्व कस्बे समेत क्षेत्र के विभिन्न राजकीय विद्यालयों, अस्पतालों, आंगनबाड़ी केंद्रों सहित अन्य सरकारी भवनों में वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम का लाखों की लागत से इसका निर्माण करवाया गया था, लेकिन वर्तमान में उचित देखरेख व रखरखाव के अभाव में कई विद्यालयों समेत सरकारी भवनों में स्थापित वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम बदहाल स्थिति में है। कहीं पाइप टूटे हुए हैं तो कहीं छतों की सफाई नहीं हो सकी है। ऐसे में आगामी बारिश के मौसम में पानी का संग्रहण होना संभव नहीं है। कई विद्यालयों व सरकारी भवनों में वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम के तहत निर्मित पानी के टांके एवं पाइपलाइन क्षतिग्रस्त हालत में है, जिन्हें मरम्मत कर दुरुस्त करने को लेकर विद्यालय प्रशासन एवं संबंधित विभाग ध्यान नहीं दे रहा। क्षेत्र के विभिन्न गांवों में सरकारी भवनों में बरसाती पानी के संग्रहण को लेकर लाखों की लागत से तैयार किए गए वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम वर्तमान में बदहाल स्थिति में है। यहाँ तक कि जीवाना उप तहसील पर भी ऐसी ही हालत बने हुए हैं। उप तहसील कार्यालय में बदहाल स्थिति में वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम के तहत लगे पाइप निर्मित पानी के टांके एवं पाइपलाइन क्षतिग्रस्त हालत में है। छत की अभी तक साफ सफाई भी नहीं हुई है। नंबर दो, पीएचसी सिराना में वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम दुर्दशा के चलते नकारा है। क्षेत्र के कई सरकारी भवनों में वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम के तहत टांके बने हुए हैं। कई टांके तो बने हैं, लेकिन पाइपलाइन नहीं जुड़ी हुई है। कहीं पाइपलाइन क्षतिग्रस्त हालत में है। साथ ही कई सरकारी भवनों, स्कूलों में वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम दुर्दशा का शिकार बने हुए हैं। यहाँ बरसाती पानी के संग्रहण को लेकर लगाए गए पाइप क्षतिग्रस्त हालत में है। टाके में नहीं होता है बरसाती पानी संग्रहण। उपखंड क्षेत्र के गाँव में कई राजकीय विद्यालयों एवं सरकारी भवनों में बरसाती पानी संग्रहण को लेकर लाखों की लागत से निर्मित वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम के तहत टाके तो बने हैं, लेकिन पाइपलाइन जुड़ी नहीं होने तथा क्षतिग्रस्त हालत में होने के कारण बारिश के दिनों में इन टाकों में पानी का संग्रहण नहीं होता है। सिर पर है बारिश का मौसम। जहां उपखंड क्षेत्र में विभिन्न सरकारी भवनों पर बरसाती पानी संग्रहण को लेकर वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम बदहाल है, वहीं दूसरी ओर बारिश का मौसम सिर पर है। ऐसे में बदहाल वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम से बरसाती पानी का संग्रहण होना मुमकिन नहीं है, लेकिन इससे संबंधित विभाग द्वारा गंभीरता से नहीं लिया जा रहा है। जागरूक टीवी के लिए जीवाना से रूपाराम चौधरी की रिपोर्ट।